सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सबकी फैमिलीज, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर अब थोड़ा मस्ती के मूड में हूं, और दिशा पटानी नाम की एक एक्ट्रेस हैं, उनने अब नई एक थोड़ा मस्ती करते हुए बताता हूं आपको। तो ये एक्ट्रेस जी हैं, एक भारत की तो कोई समझ मुझे लगता नहीं इनके अंदर है। ये जो बॉलीवुड है, ये एक अपनी ही दुनिया में रहता है। तो ऐसी ऊट पटांग, पैर ऊपर सर नीचे वाली बातें करते हैं कि उस पे हमें बोलना पड़ता है कई बारी। कल एक प्रोपेगेंडा मैंने रात को देखा कि अरब ने सोमनाथ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो चलो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं इस बॉलीवुड वाले टॉपिक पे आज करता हूँ। मैंने कल रात को कहा, भैया हम सब दीपावली मनाने में बिजी हैं, आपके प्रोपेगेंडा पे हंसने का भी टाइम नहीं है, मजाक उड़ाने का भी टाइम नहीं है, थोड़े दिन तो रुक जाओ। तो सुबह उठ के मैं क्या देखता हूँ, ये मैडम दिशा पटानी, अजीब अजीब बातें। अब इसके तीन सवाल हैं, इसके आप जवाब देना। तीन सवाल हैं मेरे पास, इनके आप जवाब देना और जरूर देना। और जो जो पहली बारी जुड़ रहे हो, पहले 1 मिनट फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आप यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, फॉलो कर लो। तीन सवाल हैं मेरे, या पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप खेलते हैं। पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको कहता हूँ कि जो मेरे तीन सवाल हैं उसका आप अपने आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, ये देखिए, शेयर आ गया। ये दिशा पटानी जी हैं, ये बोलती हैं बी काइंड, हेडिंग देखी आपने पहले, हैप्पी दिवाली, बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है जी, अब पहले इसको मैं पूरा दिखाता हूं। पहले तो ये फुटबॉल खेल रही हैं, किक बॉक्सिंग खेल रही हैं, जो भी खेल रही हैं भाई, ये किक बॉक्सिंग का दिवाली से क्या लेना देना, पहली चीज, इस किक बॉक्सिंग का दिवाली से क्या लेना देना, कोई समझा देगा मुझे? आप बहुत समझदार लोग हो, आप बॉलीवुड को बहुत अच्छी तरह समझते हो, मुझे ये समझा दो, ये किक बॉक्सिंग का हैप्पी दिवाली से क्या लेना देना है, मुझे बहुत खुशी होगी समझ के, समझाना। अब दूसरी बात, जो मेरे का सवाल है, सवाल, हैप्पी दिवाली, बी काइंड टू एनिमल्स। अब आप मुझे बताइए, दीपावली का एनिमल से क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? वो तो कोई और त्योहार है जिसमें बेचारे एनिमल्स के साथ क्या होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कौन से त्योहार में एनिमल्स के साथ होता है? और मैं उस त्योहार के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो आपकी मर्जी है, वो आपका सेलिब्रेशन का स्टाइल है, नहीं है, वो एक सेपरेट विषय है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। पर मेरा एक कोई सवाल है कि दीपावली का जानवरों से क्या लेना देना है भाई, ये कोई मुझे समझा दे। इसीलिए मैंने टाइटल दिया, अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, या ये डेलिबरेटली हर चीज में हिंदुओं को लेक्चर देना है? तो क्या है, अज्ञानता, इग्नोरेंस, पता ही नहीं दिवाली कैसे मनती है भाई, पता ही नहीं किसी को, बेचारे को दिवाली कैसे मनती है, पता नहीं कौन से देश के प्राणी है जहां पता ही नहीं दिवाली कैसे मनती है। तो इग्नोरेंस, अज्ञानता, स्टुपिडिटी, मूर्खता कि आपको पता नहीं है इतना बड़ा त्योहार कैसे है, किस तरह है, या डेलिब्रेटली लेक्चर देने की आदत पड़ गई है, जिसका मन करता है आके हिंदुओं को तो लेक्चर दो भाई, हिंदुओं को तो पहले लेक्चर दे दो आके, है ना? तो मैंने इस पे टिप्पणी करी, मैंने क्या टिप्पणी करी इस पे, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। मैंने इस पे ये टिप्पणी करी, ये देखिए, शायद आपको दिखेगी, शेयर करता हूं, मैंने ट्वीट किया इससे और आप सबने रीट्वीट कर दिया, जिसने नहीं किया जाके आप कर दीजिए आप भी। मैंने क्या, मैंने कहा काश आप भारत को जानती, दिवाली पर एनिमल्स के साथ कुछ नहीं होता, कुछ और फेस्टिवल्स में होता है, तब आप पिटा और सारा इकोसिस्टम चुप हो जाता है, मुंह में दही जम जाती है और गायब हो जाता है। चुप होके मुंह में दही जमा के भाग जाते हैं, समझे बात? अब मुझे,
बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग करती हुई फोटो पे आप दिवाली विश करते हैं, चलो वहां भी खत्म नहीं करते हम, आप उससे आगे बढ़ते हैं, आप उससे आगे बढ़ के बताते हैं दिस दिवाली एंड देन यू गो ऑन टू एनिमल्स, बी काइंड टू एनिमल्स। पहली बात एक बता देता हूँ, हमारे यहाँ तो गौ माता कहा जाता है, गौ माता, माता, इससे ज्यादा क्या कोई काइंड होगा, आप उसको लेक्चर देते हैं। बाकी त्योहारों में जिनका एनिमल से लेना देना है वो अगेन से मुझे कुछ नहीं टिप्पणी करनी, बट कम से कम उन त्योहारों और एनिमल्स का कोई लेना देना तो है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तभी मैंने पूछा था आपसे, ज्ञानता अज्ञानता, मूर्खता या डेलिब्रेट, ये आपको करना है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये मैडम की एक और वीडियो है, बहुत फेमस है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ट्विटर में तो भाई इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो 1 मिनट में निकाल देते हैं चीजें, 1 मिनट में चीजें निकाल देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे भी काइंड टू एनिमल्स की बात हो रही है ना, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, उनको लेक्चर करना है। अब आप एक वीडियो में देखिए कहाँ पे मजे से मैडम, मजे से नॉनवेज खाते हुए एंजॉय मार रही है, पता नहीं उसमें तो एनिमल्स का क्या होता होगा, मजे से खाते हुए, ये देखिए ये वीडियो है, मजे से। Okay, this one should be easy. देखा ना चिकन टिक्का, क्या चिकन टिक्का चल रहा है। तो अब आप बताइए कि भाई हमारे त्योहारों पे ज्ञान देते हो, जिनका कुछ एनिमल से लेना देना नहीं है, वहां पे या चिकन टिक्का खाते हो या उसकी एड है या उसका जो भी लेना देना है, अपने को क्या करना है चिकन टिक्का के साथ, बट वहां ये करते हो। अब इसके ऊपर आपको देखना है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कब तक आप ऐसा ज्ञान लेते रहेंगे, कब तक आप ऐसा ज्ञान नहीं लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये है डुप्लीकेसी। आप खाते हैं नॉनवेज, आप खाइए, आप जिस फेस्टिवल में जो करते हैं एनिमल के साथ कीजिए, कम से कम भाई और बहनों, ये जो लेफ्टिस्ट हो या बॉलीवुड हो या इकोसिस्टम की हो, हमारे त्योहारों पे अपने बकवास के लेक्चरबाजी बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा ना आए कि लोग सीरियसली, आप जो अपनी पब्लिसिटी जा रहे हो उसका इतना एडवर्स इफेक्ट हो कि लोग आपको देखना सुनना हर जगह पे, यहाँ पे नहीं, आपके टीवी पे, आपकी मूवीज पे, आपकी एड पे बंद कर दें। ये दिन बहुत दूर नहीं है अगर आप यही करते रहेंगे। अब मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बॉलीवुड के ऐसे ज्ञान को शेयर करके बाकी लोगों को पहुंचाइए कि इनकी मानसिकता क्या है आपके त्योहारों पे, और इनसे जब कुछ और त्योहार आएंगे तब ये देखना पड़ेगा कि तब ये क्या कमेंट करते हैं, क्योंकि तब तो चुप्पी साध लेते हैं। एनीवेज, अब मैं यार गाली गलौज मत करो इन, किसी के लिए भी, इनके लिए भी आप कर रहे हो, गाली गलौज वाली लैंग्वेज मत यूज करो। पॉइंट आप सरकास्टिकली कर सकते हो, आप फनीली कर सकते हो, आप स्ट्रांगली कर सकते हो, पर गाली गलौज मत करो। चलो जी, हैप्पी दिवाली, यस हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। कराची वुड है सर, बॉलीवुड नहीं। चलो ये भी आपकी टिप्पणी है, ये मैं क्या बोलूं, ओ फायर क्रैकर्स में वो तो धूम धमाका, मुझे लगता है जो भी कानून अनुसार है वो होगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलो जी, हैप्पी दिवाली, शुभ आपको सबको, बहुत 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 शुभकामनाएं। अपने आप अपनी पूजा कीजिए, परिवार के साथ रहिए, सेलिब्रेट कीजिए, सब कुछ करिए, एंजॉय कीजिए, बेस्ट विशेज। अब कल मिलता हूँ आपको, और कल किसी टॉपिक पे बात करते हैं। माई फेवरेट क्रैकर, चलो ये तो संभाल ले लेता हूँ, माई फेवरेट क्रैकर मेरा तो बचपन में रॉकेट होता था, अब मैं आपको नहीं बोलूंगा ऐसे कीजिए, हम भी बड़े मिस्चीवियस बच्चे थे, तो कभी तो लोग बॉटल में लगा के करते थे, और आप जानते हो मिस्चीवियस बच्चे कैसे करते थे, मैं थोड़ा सा सभी होते हैं मिस्चीवियस, मैं थोड़ा ज्यादा था, तो वो करते थे। मेरा फेवरेट होता था रॉकेट, अनार बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मेरा कोई ऐसे, इट इज प्रिटी बट मेरे को कोई ऐसे अनार, वाज अ वेरी सेफ क्रैकर टू यू नो यूज, बड़ा उसमें कोई वो मिस्चीवियसनेस नहीं थी। बड़े कई और जैसे बिना सुर्री के जो होते थे,
बिना टाइमर के जो होते थे वो सब, बहुत पटाखे चले हैं। अब तो बहुत सालों से नहीं किए थे, एटलीस्ट ये 2-3 साल पहले नया क्रैकरलेस वाला चीज शुरू हो गया था, पर मैं तो उससे बहुत साल पहले ही करने बंद हो गए थे, लाइफ में बिजी हो गए थे। और यूजली बच्चे करते हैं, टीनेजर्स करते हैं, हम तो शगुन का करते थे, एक आध फुलझड़ी जला ली, शगुन का करते थे। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज बहुत कम लोग करते हैं, यंगस्टर्स का फेस्टिवल ज्यादा है, ज्यादा एंथुसियास्टिक है। मुझे लगता है उस पर भी एक सीरियस बात करने की जरूरत है, और वो करेंगे हम, पर वो किसी और वीडियो पे करेंगे। अभी के लिए शुभ दीपावली, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।